हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th तमिलनाडु की ये बुक है हिस्ट्री की। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। और हमारा पहला चैप्टर है अर्ली इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इंडस सिविलाइजेशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम स्टोन एज ह्यूमंस ऑफ इंडिया और जानेंगे पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक सोसाइटीज़ को इंडिया में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस थी नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की, और हमें नॉलेज होगी कुछ सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडस कल्चर के बारे में। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम और शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ से। जो इंडिया है वो एक्सपीरियंस करता है एक बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन का। जैसा कि हमें पता है कि जो ओल्ड स्टोन एज से ही काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं इंडिया में रहते थे, जो कि माइग्रेटेड होते थे मल्टीपल टाइम्स में और अलग अलग कल्चर को अडैप्ट कर लिया डाइवर्स इको जोन्स में। और जो हर एक ग्रुप होता था उसका खुद का कल्चर होता था, जिससे कि वो अपने लिविंग एक्सपीरियंस को लेके जाता था हर एक प्लेस पे, जो कि इवेंचुअली क्या हुआ लेड करता है एक प्लूरलिस्टिक बिलीफ को और सिस्टम्स को। अब एक फॉर्जिंग की लाइफ से नोमैडिक पैस्टोरलिज्म तक और सेटल्ड होने तक इंडस रीजन में जो भी एक पहुंचा मैच्योर्ड स्टेज ऑफ लिविंग का ब्रॉन्ज स्टेज में। इस चैप्टर में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि कहाँ से फर्स्ट सेटलमेंट से ले के स्टोन एज तक, और सीधे बातों में मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो कब फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ था तब से लेके स्टोन एज से लेके फिर इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन तक का हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा ड्वेल करेंगे नियोलिथिक कल्चर पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज पे आते हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कुछ हमें जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें कितने लॉन्ग टाइम से क्या क्या होता आ रहा है सॉरी और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स, एनिमल बोन्स और फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, रॉक पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिटन एविडेंस जो है नहीं मिला है इस पीरियड का। ऑल्दो जो हरप्पा है, हरप्पन से वो एक स्क्रिप्ट तो यूज़ करते थे, लेकिन जो कि अभी भी डेसिफर नहीं की जा सकी है। आगे आते हैं अब, और जो फॉनल मतलब जो एनिमल और जो फ्लोरल मतलब जो प्लांट सोर्सेज हैं वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं स्टोन एज पीपल का उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग पता करने के लिए। जो फ्लोरल हमें एविडेंसेस मिले हैं वो भी कहाँ से, चैड शीट से, पॉलन और फाइटोलिथिक्स, जो कि हमें हेल्प करते हैं उस नॉलेज को गेन करने में कि कैसे स्टोन एज पीपल के द्वारा फार्मिंग प्रैक्टिस करी गई थी। जो ये ह्यूमन जीन्स है ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, इसकी स्टडी जो है प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन भी किसकी, प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस की। साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे एंशियंट डीएनए की बोन से हम प्री हिस्टोरिक एरा की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा अच्छा रख सकें ह्यूमन डिस्पर्सल्स के बारे में। लैंग्वेज जो है बहुत ही अच्छा सोर्स होती है हिस्ट्री का, इंडो आर्यन द्राविनियन और एस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस, जो फैमिली ये सब जो लैंग्वेज की फैमिलीज हैं ये फ्लोरिश हुई थी इंडिया में ही। ये जो लैंग्वेजेस हैं डेवलप हुई हैं और इवॉल्व होती गई हैं वेरियस फेजेस ऑफ माइग्रेशन में हमारे इंडियन हिस्ट्री में। जुकाम हो रखा है मुझे सच में। चलिए खैर आते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया में। ओके, जो एक ऐसा टाइम जिसमें क्या हो
स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स, मतलब एक स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट से पहले वाले टाइम को प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। इसको स्टोन एज के जैसे भी रिफ़र किया जा सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं एक स्टोन एज की, तो हम इंक्लूड करते हैं पूरे साउथ एशिया को, और इसमें कौन कौन से रीजन कवर होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन एंसेस्टर हैं वो सबसे पहले इवॉल्व हुए होंगे अफ्रीका में, और फिर माइग्रेट करते हुए वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचे होंगे। जो अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज़ है जो कि अफ्रीका से माइग्रेट हुई थी, वो थी होमो इरेक्टस। अब 20th सेंचुरी के एंड तक जो प्री हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, वो कंसीडर की जाती है कि शुरू हुई होगी करीब एक 1 मिलियन ईयर टाइम स्पैन में। लेकिन कुछ रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस भी हैं जो कि बताती हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर के जो एक प्रेजेंस के एविडेंसेस हैं इंडिया में, वो करीब 2 मिलियन से लेके 1 मिलियन ईयर्स के ईयर्स अगो के बीच में मिले हैं। जनरली होता क्या है, वो पीरियड जो कि इस स्क्रिप्ट के इन्वेंशन से पहले का था, उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है स्टोन एज में, ब्रॉन्ज एज में और आयरन एज में। हेंस हम कह सकते हैं जो भी मटेरियल्स के नेम हैं, मतलब जो यूज़ किए गए थे उस टाइम पे, जैसे कि प्रिंटेड ग्रेवेयर कल्चर और आयरन एज कल्चर हो गया, या फिर जो भी ज्योग्राफिकल रीजन है जैसे कि इंडस हो गया, या फिर जो फर्स्ट साइट्स जिसको आइडेंटिफाई किया गया जैसे कि अकेलियन और हरप्पन, ये जो है कल्चर्स के नाम पे इनको रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अर्लीस्ट एज है हिस्ट्री का, उसको हम ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक कहते हैं। ये पीरियड जो है डिवाइड किया गया है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर और अपर पैलियोलिथिक कल्चर में। जो ओल्ड स्टोन एज के बाद, मतलब जो पैलियोलिथिक के बाद का जो पीरियड है, उसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। और इसके बाद मेसोलिथिक के बाद कौन सा आता है एज, नियोलिथिक एज, मतलब पहले पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। और ये वो एज है जब एनिमल और प्लांट्स जो का डोमेस्टिकेशन जो है शुरू हो गया था, जिससे क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन जो है वो हुआ। अब ये जो क्लासिफिकेशन करा गया है किस बेसिस पे कराया गया है, बेसिस ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक, क्रोनोलॉजिकल एंड लिथिक, मतलब स्टोन टूल्स एविडेंसेस के बेसिस पे। सबसे पहले जानते हैं लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में। जो अर्लीस्ट लिथिक आर्टिफैक्ट जो कि हमें मिला है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, अब लोअर पैलियोलिथिक कल्चरल कहाँ गया, कल्चर फेज में जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर स्पीशीज़ थी वो थी ह्यूमन इरेक्टस की, और ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया में ही रहते थे। जो पहले पैलियोलिथिक टूल्स थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था पल्लावरम की साइड में, जो कि चेन्नई के पास है, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा 1863 में। उनको काफ़ी सारे प्री हिस्टोरिक साइट्स थी जहाँ पे, और जो एक्सटेंसिवली सर्वे कर रहे थे डिफरेंट पार्ट ऑफ साउथ इंडिया का, तब उनको मिले थे। और तब से न्यूमेरियस पैलियोलिथिक साइट जो हैं अभी तक की आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और एग्जीक्यूट की जा चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब आते हैं लिथिक टूल्स पे। जो प्री हिस्ट्री जो है उसकी स्टडी मेनली डिपेंड करती है लिथिक टूल्स पे। जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं आइडेंटिफाई की गई हैं किस बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ स्टोन टूल्स की बेसिस पे। ह्यूमन एंसेस्टर जो हैं वो काफ़ी लार्ज स्टोन ब्लॉक्स और पेबल्स और चिप टूल्स से बनाया करते थे अपने टूल्स को, जिससे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन से। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो भी देखते हैं। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, और इसके के जो डिज़ाइन के थे वो बहुत ही उस टाइम पे बहुत ही चल रहे थे, बहुत ही यूज़ में आते थे। टूल्स जो हैं वो शो करते हैं कि कैसे एक
वेल दो आउट डिज़ाइन था और फिजिकल सिमेट्री थी उनके टूल्स में, जो कि कन्वे करती थी हाई क्वालिटी कॉग्निटिव स्किल्स की और कैपेबिलिटीज़ की प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की। अब इन टूल्स को वो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए, बचरिंग के लिए और एनिमल्स की स्किनिंग के लिए, बोन्स को ब्रेक करने के लिए और बोन मैरो के लिए भी, बोन मैरो से बोन को अलग करने के लिए, या फिर जो ट्यूबर्स और जो प्लांट फूड्स हैं उनको रिकवर करने के लिए भी, साथ ही साथ फूड की प्रोसेसिंग के लिए भी। जो इंडस्ट्रीज थी पैलियोलिथिक कल्चर्स की, वो डिवाइड की गई थी अर्ली, मिडिल और लेट आक्यूलियन इंडस्ट्रीज़ में। जो अर्ली आक्यूलियन टूल्स थे वो इंक्लूड करते हैं पॉलीहेड्रॉन्स, स्फेरॉइड्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड फ्लेक टूल्स। जो एक्यूलियन ट्रेडिशन है ये एब्सेंट है वेस्टर्न घाट्स में, कोस्टल एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जो हैवी रेनफॉल है इसकी वजह से यहाँ पे ये एब्सेंस रही है। अनकॉन्जीनियल कंडीशन और लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से भी प्रिवेंट करता हो कि वहाँ पे इन आर्ट्स का ऑक्यूपेशन हो सके। ऐसा भी हो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की नेसेसिटी ही ना रही हो प्री हिस्टोरिक पीपल्स की, जिससे कि वो मूव कर सके इन एरियाज़ में। ये सब जो ये जो साइट्स हैं ज़्यादातर पाई गई हैं सेंट्रल इंडिया में और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो कि चेन्नई के पास हैं। ये जो एरियाज़ हैं ये हाई रेनफॉल को रिसीव करते हैं और इसीलिए एंडोर्ड करते हैं विद थिक ग्रीन कवर और रिच रिसोर्सेज को। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लोअर पैलोलिथिक टूल्स हैं वो पाए गए हैं मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ पे, कुछ रीजन्स हैं गंगा वैली के, सदर्न तमिलनाडु और हिली एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। ओके, अथिराम पक्कम, पल्लवापुरम और गुड़ियाम जो कि चेन्नई के पास में है, हंसगी वैली, इसामपुर कर्नाटक में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में कुछ इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं जहाँ पे आक्यूलियन टूल्स को पाया गया है। हम देखते हैं क्रोनोलॉजी को। रीसेंट रिसर्च प्लेसेस जो है वो बिगनिंग हुई थी कब से, लोअर पैलियोलिथिक की करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये कल्चर जो है कंटिन्यू रहा करीब 60,000 ईयर्स अगो तक। आगे बढ़ते हैं। अब है होमिनिन एंड एनिमल फॉसिल्स। जैसा कि अफ्रीका में नहीं है, काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं होमिनिन, मतलब जो होमिन कौन थे, ये इमीडिएट एंसेस्टर्स थे होमो सेपियंस के। वहाँ पे अफ्रीका के अलावा होमिनिन के जो फॉसिल्स हैं काफ़ी रेयर है इंडिया में, मतलब अफ्रीका में तो काफ़ी मिले हैं, इंडिया में नहीं मिले हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि फॉसिल फ्रैगमेंट्स जो है वो डिस्कवर किए गए हैं रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा अथिराम पक्कम से। ये वही है जहाँ की जो कि अभी तक, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है। जो एक ओनली वेल नोन होमिनिन फॉसिल है इंडिया में वो पाया गया है हाथनोरा, जो कि नियर है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। जो क्रेनियम है नेम्ड इस पे रखा गया, इसका नाम नर्मदा ह्यूमन पे। एक पार्टली प्रिजर्व्ड होमिनिड स्कल कैप भी मिला है, वो भी कहाँ पे, बसल कॉग्नोमरेट डिपॉजिट, वो भी कब, 1982 में। ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि ये प्रेजेंट करता है आर्काइक होमो सेपियंस को। ये ओनली एग्जिस्टिंग फॉसिल है ह्यूमन एंसेस्टर का इंडिया में। आगे देखते हैं। एनिमल फॉसिल्स जो हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं, जिससे कि हमें पैलियो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स का पता चल सके उस टाइम के लोगों के बारे में जो वहाँ पर रहा करते थे। अगर हम नर्मदा वैली में देखें जो एनिमल फॉसिल्स हैं एलिफेंट्स के, एलिफेंट्स नामार्डिकस के,
मतलब एक जाइंट टस्क प्री हिस्टोरिक एलिफेंट हुआ करता था। स्टोगोडन गनेशा एक जाइंट प्री हिस्टोरिक एलिफेंट है, और बॉस नोमैडिकस और साथ ही साथ इक्वस नोमैडिकस जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक ग्रेट हॉर्स लाइक एनिमल था, ये सब जो है रिकवर किए गए हैं। कहाँ से? गंगा वैली से, सॉरी नर्मदा वैली से। हम देखते हैं जो टीथ थे इक्वस के, ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या एविडेंस है वाटर बफेलो का भी और नील गाय का भी। 17 बाकी के 17 और एनिमल्स मिले हैं जो होफ प्रिंट्स में पाए गए हैं और जो अनकवर्ड हैं अतिराम पक्कम में। आगे बढ़ते हैं। जो कि सजेस्ट करते हैं कि एक ओपन वेट लैंडस्केप चेन्नई रीजन के पास में प्री हिस्टोरिक पीरियड में। देखते हैं वे ऑफ लाइफ को। अब वे ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, जो लोग थे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के, वो एनिमल को हंट करते थे, रूट्स नट्स और फ्रूट्स को गैदर करते थे, वो फेड करते थे फ्लैश पे और बोन्स ऑफ एनिमल्स जो कि किल किए जाते थे प्रीडेटर्स के द्वारा। वो ओपन एयर में रहते थे, रिवर रिवर वैलीज़ पे, केव्स में, रॉक शेल्टर्स में। और एक ये सब कहाँ से बदलता है? इसमें बदलता है जो भीमबेटका में एविडेंस मिला है मध्य प्रदेश के वहाँ पे, और गुड़ियाम जो कि चेन्नई के पास है वहाँ पे हमें कुछ ऐसे ही एविडेंसेस मिले हैं। जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एंसेस्टर थे जो कि बिलोंग करते थे स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस से, उनके पास किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कल्चर नहीं था जैसे कि अभी हमारे पास है होमो सेपियंस के पास। ऐसा हो सकता है वो कुछ साउंड्स को एक्सप्रेस करते हैं या फिर कुछ वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं जो कि यूज़ किया जाता हो लैंग्वेज के साइन के जैसे। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि सिलेक्ट कर सके स्टोन को एज रॉ मटेरियल और यूज़ कर सके हैमर स्टोन को केयरफुली फ्लेक्स और रॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में। मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में देखते हैं, 4 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट के बाद चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हुए थे लिथिक टेक्नोलॉजी में और कुछ ह्यूमन एंसेस्टर्स के स्पीसीज में भी। जो स्पीसीज थी होमन इरेक्टस की वो एग्जिस्ट करती थी इस पीरियड में। कुछ जो मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स थे वो एट्रीब्यूटेड थे कुछ बिहेवियरल मॉडर्निटी में। जो एनाटॉमिकली एक मॉडर्न ह्यूमंस थे ऐसा कहा जाता है कि वो एमर्ज हुए थे करीब 3 लाख साल पहले। अगर हम इंडिया में देखें जो मिडिल पैलियोलिथिक फेज़ है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था HD संकालिया के द्वारा, वो भी कहाँ पे? प्रावरा रिवर जो कि नेवासा में है। और इस डिस्कवरी के बाद काफ़ी सारी साइट जो है इस पीरियड की हम आइडेंटिफाई की गई थी। रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो मिडिल पैलियोलिथिक है हमारा अथिराम पक्कम का, वो करीब 3.85 से 1.7 लाख ईयर्स पहले का है। इंडियन मिडिल पैलियोलिथिक जो है प्रॉब्ली ऐसा कहा जाता है कि इतना ओल्ड जितना कि अफ्रीकन मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। अब आते हैं इंडस्ट्रीज एंड टूल टाइप्स पे। जो टूल टाइप्स थे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के वो थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंटर्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स और शोल्डर्ड पॉइंट्स और नाइफ और फ्लेक्स। जो फ्लेक इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में, और जो टूल्स जैसे कि स्क्रैपर्स हो गए, पॉइंट्स और बोरर्स हो गए, वो भी बनाए जाते थे। जो स्क्रैपर्स थे वो यूज़ किए जाते थे वुड और स्किन वर्किंग के लिए। अब आते हैं क्रोनोलॉजी पे। जो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर है इंडिया का वो डेटेड है बिटवीन 3.85 से लेके 40,000 BCE। वहीं जो अफ्रीकन मिडिल स्टोन एज है वो एसोसिएट होता है ह्यूमन सेपियंस से, और ये साथ साथ एसोसिएटेड है नींदरथल से यूरोप के। कोई भी होमिनिन फॉसिल बोन्स नहीं मिले हैं इस स्पीसीज के इंडिया में। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे।
जो मिडल पैरालिथिक साइट है वो पाई गई है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और बांकी की रिवर वैलीज पे। वे ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आते हैं। जो मिडल पैलियोलिथिक पीपल थे वो ऑक्यूपाई करते थे ओपन एयर को, केव को, रॉक शेल्टर साइट्स को। वो हंटर गैदरर्स थे, जो उनका मेन फीचर था इंडियन मिडल पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक पीरियड का, वो इंक्लूड करता है क्या क्या। जो टूल्स थे वो छोटे होते चले गए, हैंड एक्सेस का जो यूज़ था वो कम होता गया अगर हम बात करें बाकी टूल की अपेक्षा में। जो एक कोर प्रिपरेशन टेक्निक थी कुछ स्टोन टूल्स के प्रोडक्शन में, उसका यूज़ होने लगा। और साथ ही साथ चर्स, जैस्पर, कैल्केडोमी और क्वार्ट्स का यूज़ किया जाने लगा एज रॉ मटेरियल। अब आते हैं अपर पैलोलिथिक कल्चर की तरफ। जो कल्चरल फेज जो कि फॉलो किया गया था मिडिल पैलोलिथिक के द्वारा, वो था के बाद वो था अपर पैलोलिथिक। इस पीरियड को मार्क किया गया था इनोवेशन इन टूल टेक्नोलॉजी और इंक्रीज कॉग्निटिव कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं जो सबसे पहले इन्वॉल्व हुए थे सब सहारन अफ्रीका में समटाइम्स बिफोर 3 लाख ईयर्स एगो, जो कि माइग्रेट हुए थे और ऑक्यूपाई करते थे वेरियस पार्ट ऑफ एशिया को करीब 60,000 साल पहले। ऐसा मानते कि प्रॉब्ली इन्होंने रिप्लेस किया था जो अर्लियर पॉपुलेशन थी उनको। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये नए ग्रुप थे वो रिस्पॉन्सिबल थे अपर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया में। अब आते हैं लिथिक टूल्स एंड इंडस्ट्रीज। जो लिथिक इंडस्ट्री है वो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, वो बेस्ड है ब्लेड और बोन टूल्स टूल टेक्नोलॉजीज पे। माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है टाइनी स्टोन टूल्स, ये भी इंट्रोड्यूस किए गए थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। और ये जो टूल्स थे वो बनाए गए थे डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सिलिका रिच रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। बोन टूल्स और फॉनल रिमेन्स भी मिले हैं कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश में। क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। जो अपर पैलियोलिथिक कल्चर है वो रिप्रेजेंटेड है इंडिया में काफ़ी सेवरल साइट्स पे। एक टाइम ब्रैकेट अगर हम देखें तो वो करीब 40,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि इस पीरियड में ये क्रोनोलॉजी रही थी। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। वो लोग जो इस पीरियड में रहे थे वो यूज़ करते थे केव्स को और साथ ही साथ ओपन एयर स्पेस को अपनी लिविंग के लिए। मीराल भावी जो कि कर्नाटका में है कुरनूल केव्स, और गोदावरी खानी जो कि तेलंगाना में है भागोर 1 और भागोर 3 सोन वैली के, जो कि मध्य प्रदेश में है, और पाटने इन महाराष्ट्र, कुछ साइट्स हैं अपर पैलियोलिथिक इंडिया में। हम देखते हैं जो श्रीलंका है उसके पास भी कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं माइक्रोलिथिक्स एंड होमिनियन फॉसिल्स के। कुछ हमें इंसिसाइज्ड ऑस्ट्रिच एक्सेल्स और शेल मिले हैं और स्टोन बीट्स भी मिले हैं। कहाँ पे? ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में, पाटने महाराष्ट्र में, और बाटा डोम्बा लेना और फाहेन केव श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं वेज ऑफ लाइफ एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। जो एविडेंस मिले हैं आर्ट के अपर पैलियोलिथिक पीरियड के वो अपेयर होते हैं पेंटिंग्स के थ्रू। एक पेंटिंग्स में बीट्स और ऑर्नामेंट्स जो हैं इस पीरियड के वो भी देखने को मिले हैं। जो लिथिक ब्लेड इंडस्ट्री है वो एडवांस हो गई थी इस पीरियड में। और कुछ ग्रीन कलर पेंटिंग्स जो कि भीमबेटका में देखने को मिली हैं वो करीब डेटेड हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड में, जो कि बेस्ड हैं किसके स्टाइल और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस पे। अब आते हैं मेसोलिथिक कल्चर पे।
मेज़ोलिथिक साइट्स जो हैं वो फाउंड हुई हैं काफ़ी सारे पार्ट्स में इंडिया में, जो कि अकर हैं काफ़ी इको जोन्स फ्रॉम दी कोस्ट टू द हिल से, सैंड ड्यून्स एंड रॉक शेल्टर्स, डेल्टा एक रीजन, लेक एरियाज, फॉरेस्ट टेरिटरीज, हिली एंड माउंटेनियस रीजन, रॉकी टेरेन और कोस्टल एनवायरमेंट्स, मतलब सब कहीं। कुछ मेज़ोलिथिक साइट्स भी देख लेते हैं। पैसरा जो कि बिहार में है, लांगंज गुजरात, भागोरटू, चोपानी, मांडो, सराई नहर राय, महादाना और दमदामा जो कि उत्तर प्रदेश में है, संकनाकल्लू और किब्बान हाली जो कि कर्नाटका में है, रॉक शेल्टर साइट जो पाई गई हैं लेक हकाई सॉरी लेक लेखा किया, बघाई खोर और आदमगढ़ और भीमबेटका। कोस्टल साइट्स जो हैं वो सीन हुई हैं मुंबई में, तेरी साइट्स ऑफ टूथकुडकी और तमिलनाडु वाला, और विशाखापट्टनम जो कि माइक्रोलिथिक एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे। क्लाइमेट देख लेते हैं। आइस एज के बाद जब ग्लोबल वार्मिंग का एडवेंट हुआ तो जो ह्यूमन ग्रुप्स थे वो हाईली मोबाइल हुए और उन्होंने एक वेरियस इकोजोन को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। मॉनसून पैटर्न जो है वो ऑलरेडी एमर्ज हो चुका था। कुछ रीजन जो है वो विटनेस कर रहे थे हायर रेनफॉल को। अगर दिदवाना देखें जो कि वेस्टर्न राजस्थान में है, यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स जो है जो कभी एग्जिस्ट करती थी 10,000 से लेके 3500 बिफोर प्रेजेंट। एनिमल बोन्स जो है वो मिली है, इस पीरियड से सजेस्ट करती हैं कि वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट था मेसोलिथिक पीरियड में। अब आते हैं क्रोनोलॉजी पे। जो डेट है मेसोलिथिक कल्चर की वो वेरी करती है डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में। ये जो कल्चर है ये असाइन होता है प्री एग्रीकल्चर टाइम टाइम्स में। लेवेंट मतलब जो एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया है वहाँ पे, ये डेटा ने करीब 20,000 से लेके 9,500 BCE। वहीं इंडिया में देखें जो तुम तो जो मेसोलिथिक कल्चर है वो अपियर होता है करीब 10,000 साल BCE तक। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इंडिया के जो कि इंक्लूड करते हैं केरला और तमिलनाडु को। ये कंटिन्यूड हैं करीब 1000 BCE तक, टिल द बिगनिंग ऑफ आयरन एज। वहीं श्रीलंका में देखें तो जो माइक्रोलिथ्स हैं वो अपियर होते हैं करीब 28,500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। इकॉनमी भी देख लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को हंट करना, प्लांट फूड और को गैदर करना और फिशिंग जो है ये लोगों का बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन बन गया था इस एज के टाइम पे। जो एग्रीकल्चर था वो इतना कुछ खास प्रैक्टिस नहीं किया जाता था अर्ली स्टेजेस में। हालांकि जो जो एंड था मेसोलिथिक पीरियड का, उसमें ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया था एनिमल्स का, और इसके थ्रू वो नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ को पेव करने लगे थे। जो रॉक पेंटिंग्स हैं सेंट्रल इंडिया की, वो डिपेक्ट करती हैं ह्यूमन हंटिंग्स को, ट्रैपिंग को, फिशिंग को और प्लांट फूड कलेक्शन को। जो फॉनल एविडेंसेस हैं इस पीरियड से वो शो करते हैं कि जो इंसान बिलोंग करते हैं इस पीरियड में वो कैटल्स, गौर, बफेलो, बारासिंघा, प्रोक्यून, सांपर, चीतल, गैजल, हॉक, डियर, नीलगाय, जैकल, टर्टल फिश, वाइल्ड हेयर लिजार्ड, फॉक्स और मॉर्टल लिजार्ड को हंट करते थे। बोन्स मिली है डायनासोर्स, आ गया, बोन्स मिले राइनासोर्स और एलिफेंट्स की। वो यूज़ करते थे स्पीयर्स को, बो को, एरो को और ट्रैप को। जो पेंटिंग्स हैं भीम बेदका में वो शो करती हैं वेरियस एनिमल्स को जो कि हंट किए जाते थे, और मैन और वीमेन दोनों साथ में जाते थे हंटिंग के लिए। जो लोग हैं उस टाइम के वो फायर को यूज़ करते थे और शायद खाने को पकाने के लिए भी यूज़ करते थे। डोमेस्टिक एनिमल बोन्स जो हैं किसकी मिली हैं, कैटल, शीप, गोट, पिग, डॉग मिली हैं कानेवाल लोतेश्वर में, लोतेश्वर
और रत्नापुर जो कि आदमगढ़ में है, और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ की साइड से। कैमल बोन्स भी मिली हमें कानेवाल से। कैंप्स और हाउसेस को देखते हैं। जो मेजोलिथिक पीपल हैं वो बहुत ही हाईली मोबाइल थे। वो एनिमल और प्लांट फूड के लिए मूव करते हुए दिखते थे हमें। उन्होंने एक टेम्परेरी हट्स भी बनाए थे और इसको यूज़ किया था केव के जैसे, रॉक शेल्टर्स के जैसे। सर्कुलर हट्स विथ पोस्ट होल्स, पोस्ट होल्स और बर्न्ड क्ले लम्प्स जो कि बियर करते हैं रीड इम्प्रेशन को, वो भी मिले हैं। काफ़ी सारी केव्स और शेल्टर्स में पेंटिंग्स को फीचर किया गया है। सर्कुलर हट्स जो हैं देखी गई हैं एक तरह से रॉक पेंटिंग्स में भी। जो टेम्परेरी हट्स थी वो भी बिल्ड की गई हैं कुछ पेरिसेबल मटेरियल्स को यूज़ करके। इसके अलावा हमें ट्रेसेस ऑफ ओवल एंड सर्कुलर हट्स भी देखने को मिले हैं, और पॉसिबल वैटल दुआब भी देखने को मिला है। चोपानी मांडपो और धाम धामा उत्तर प्रदेश में, बागोर और तिलवारा राजस्थान में भी। बरियल्स देखते हैं अब। जो मेसोलिथिक पीपल हैं वो बरीड करते थे डेड को, जो सजेस्ट करता है कि उनका बिलीव था ह्यूमन रिलेशनशिप में। ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं महादाहा दामदामा और सराय नहर उत्तर प्रदेश में। महादाना में देखें तो हमें एक मैन और वुमेन जो है वो बरीड मिले हैं साथ में। एक बरियल के साथ आइवरी पेंडेंट भी देखने को मिला है, जिसका मतलब बहुत ही ग्रेव गुड था। आर्ट्स देखते हैं। आर्ट एक इंटीग्रल पार्ट था ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। वहीं कुछ एविडेंस मिले हैं आर्ट के जो कि फाउंड किए गए हैं यूरोप में कुछ लार्ज वॉल्यूम में। ये पाए गए हैं ओनली एट कुछ साइट ऑफ इंडिया में ही। जो चर्ट स्टोन है यूज़ किया था ऐसे कोर ज्योमेट्रिक इंग्रेविंग्स में, कहाँ से वो भी चंद्रावती इन राजस्थान में। बोन ऑब्जेक्ट्स भीमबेटका से मिले हैं और ह्यूमन टूल्स इनग्रेव किए गए हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में। रॉक पेंटिंग्स भी देखने को मिली है रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया के। इसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन को हंट करते हुए, ट्रैपिंग और एनिमल्स को ट्रैप करते हुए, फिशिंग करते हुए और डांस करते हुए। भीमबेटका जो कि भोपाल के पास में है, रायसेन और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और सदन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे कुछ साइट्स मिली हैं। हेमेटाइट जो कि एक आयरन रिच स्टोन है उसके भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ रबिंग मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है ये लोग खुद को डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स या फिर लीव्स का यूज़ करते हों। तो फिलहाल आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू एंड बाय।